असमकुम डर स्टूडेंट्स आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पंजाब ड्रग रूल्स 2007, थाउजेंड सेवन राइट इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ड्रग एक्ट और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फार्मेसी एक्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पंजाब ड्रग रूल्स टू थाउजेंड सेवन राइट इसके अंदर सबसे पहले पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है और इसके नोट इस नोटिफिकेशन के अंदर ये जो नंबर एस ओ इन टू डी सी एट वन फोर बाय ये जो पूरा पूरा नंबर है नोटिफिकेशन नंबर है और इसके अंदर ये बताया हुआ है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अपऑन हिम यानी कि वो तमाम तर पावर्स जो कि इन इस्तेमाल कर सकता है या फिर दी गई हैं अता की गई हैं कौन से ड्रग एक्ट नाइनटीन के तहत ठीक है नाइनटीन ड्रग एक्ट नाइनटीन के तहत वो पावर्स वो इख्तियारत जो कि दी गई हैं कॉन्फर्ड की गई हैं अता की गई हैं कि इसको गवर्नर ऑफ़ द पंजाब को इन सुपर सेशन ऑफ़ द पंजाब ड्रग रूल्स 1988 यानी कि पंजाब ड्रग रूल्स 1988 के तहत या फिर कहते हो तो इन सुपर सेशन इनके तब्दीली में वो इसको इस्तेमाल कर सकता है या बना सकता है दर्ज जेल रूल्स को कवानीन को ठीक है जो भी कवानीन है उनको वो बना सकते है। जिसके सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चैप्टर की आपका है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट इसके अंदर बताया गया है कि इसका सब रूल वन ये कहता है कि ये रूल्स जो हैं ये कवानीन जो हैं मे बी साइटेड लिखे जा सकते हैं कैसे एज द पंजाब ड्रग्स रूल 2007 ठीक है पंजाब ड्रग्स रूल्स दो हजार सात के तौर पर आप लोग इनको इन कवानीन को लिख सकते हो मे बी साइटेड फिर सब रूल टू क्या कहते हैं कि दीज एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ द स्केड्यूल जी यानी कि स्केड्यूल जी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो उसके अलावा ऑन द एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस जो कि पहले से बने हुए लाइसेंसेस हैं वो क्या कर सकते हैं शेल कम इन टू फोर्स एडवांस यानी कि आप वो तमाम तरह रूल्स जो कि पंजाब ड्रग रूल्स के तहत बनाए गए हैं वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो एक्सेप्ट स्कीजुल जी जी मीन इसके अंदर वो तमाम तर अद्वियात हैं जो कि फार्मेसी पर रखी जा सकती हैं लेकिन एक मेडिकल स्टोर वाला उसको नहीं रख सकता ठीक है वो वो वाली अद्वियात स्केजुल जी के अंदर दर्ज जेल मीन दर्ज की गई हैं राइट आप लोग कहे तो वो लाइसेंस जो कि पहले से बने हुए हैं वो क्या कर सकते हैं वो इस जी को इस्तेमाल नहीं कर सकते जबकि बाकी को वो इस्तेमाल कर सकते हैं शेल कम इनटू फोर्स एडवांस फिर सब रूल टू सब रूल थ्री ये कहता है कि ये जो स्केजुअल जी है फॉर द लाइसेंसेस जो पहले से बने हुए लाइसेंसेस हैं ठीक है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं शेल कम इन टू फोर्स वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कब आफ्टर टेन ईयर्स फ्राम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन के जारी करने के बाद यानी कि सपोज आज अगर ये जारी हुआ है तो इसके दस साल के बाद वो स्केजुअल जी को इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग जिनका लाइसेंस पहले से बना हुआ है ठीक है फिर इसका सेक्शन टू में डेफिनेशन आ जाती हैं इन दीज रूल्स क्लॉज ए क्या कहते हैं ड्रग एक्ट का मतलब क्या हुआ ड्रग एक्ट 1976 फिर बी बी में कमेटी कमेटी का मतलब हुआ कमेटी ऑफ द बोर्ड सी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कौन सा है जैसे आपका प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड था वैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट का क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होगा जिसको आप लोग डी क्यू सी बी का नाम देते हो ठीक है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मीन्स अ कमेटी ऑफ द प्रोविंशियल बोर्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट टू बी नोन एज द डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ठीक है फिर आप लोग कहते हो डी मीन क्लॉज डी ये कहता है फॉर्म फॉर्म क्या है फॉर्म का मतलब वो फॉर्म है मीन वो फॉर्म है जो कि मेंशन किया गया है जाहिर किया गया है स्केजूअल ए के अंदर ठीक है यानि कि स्केजूअल ए के अंदर जो फॉर्म जाहिर किया गया है बताया गया है वो उसको आप लोग फॉर्म का नाम दोगे ठीक है फॉर्म यानि कि ये वाला फॉर्म का नाम दे दो ठीक है और स्कीजूअल ए के अंदर फॉर्म वन यानी कि फॉर्म वन जो है वो है आपका इंस्पेक्टर के लिए ठीक है और फॉर्म टू जो है वो है, वो है जो आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसके लिए ठीक है फॉर्म वन के अंदर वो आपका वो फॉर्म आता है जो कि इंस्पेक्टर फिल करता है यानी कि पहला जिसके अंदर मंथली रिपोर्ट दे रहा होता है इंस्पेक्टर ठीक है उसके अंदर वो सारे की सारी डिटेल देगा कि उसने कितनी जगह को की इंस्पेक्शन की थी यानी कि कितने मैनुफेक्चरर की जाँच पड़ताल की कितने फार्मेसीज़ की मेडिकल स्टोर्स की की या किसी और जगह पर और जब उसने किया था तो उसने कौन सा कानून उस पर नाफिज किया यानी कि कौन सा कानून इस्तेमाल किया था और अगर तो उसने कोई नंबर ऑफ सैंपल्स लिए हैं तो कौन कितने नंबर लिए मीन कितने उसने सैम्पल्स उठाए थे वहाँ से टेस्ट के लिए या फिर जांच पड़ताल के लिए और आगे उसके रिमार्क्स फिर उसका दूसरा कि अगर तो कोई ड्रग जो है वो कानून के खिलाफ वर्जी कर रही थी तो उस मैन्युफैक्चरर का नाम लिखेगा ड्रग का नाम लिखेगा उसका बैच नंबर और प्लेस प्लेस ऑफ द टेकिंग सैंपल यानी कि ये सारे के सारे जो चीज़ें जो उसको दरकार हैं एक ड्रग इंस्पेक्टर को अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए या फिर मंथली अपनी अपनी जो भी कारकर्दगी है वो देने के लिए आगे भेजने के लिए वो फॉर्म स्केजुअल ए के अंदर दिया गया है फॉर्म वन में और फॉर्म टू में क्या है आपका ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के पास जाता है ये ये फॉर्म और भेजता कौन है इसको फिल करके गवर्नमेंट एनालिस्ट इसको भेजता है ठीक है और इसके अंदर सारे के सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाते मीन टेस्ट की डिटेल्स आ जाती हैं राइट इसके बाद आप लोग बात करते हो क्लाज uh, ई e की आप कहते हो गवर्नमेंट क्या है मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब यानी कि पंजाब की हुकूमत एफ ये कहता है कि इंस्पेक्टर का मतलब है प्रोविंशियल इंस्पेक्टर जिसको मीन जिसको मंजूर किया गया है अंडर सेक्शन सेवनटीन ऑफ द एक्ट ठीक है इस एक्ट के सेक्शन 17 के तहत जो प्रोविंशियल सुबाई इंस्पेक्टर है उसका आप इंस्पेक्टर का नाम दोगे फिर जी ये कहता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी का मतलब वो ये हुआ कि वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर कोई भी ऑफिसर आपके हुकूमत का ड्यूली ऑथराइज बाय द सेक्रेटरी जो कि प्रॉपर टाइम पर जो है उसके पास इख्तियार हैं ठीक है अथॉरिटी है लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके पास इख्तियारत हैं ऑफिशियल परमिशन है बाय द सेक्रेटरी उसको आप लोग लाइसेंस

उनको स्टोर्ड सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल यानी कि वो ड्रग्स जो कि इस जी में जाहिर की गई हैं उनको उनको नहीं वो बेच सकता ना ना उनको महफूज कर सकता है ना बेच सकता है ना ही वो बेचने की नीयत से रख सकता है उन उन वाली ड्रग्स को निकाल कर जो ड्रग्स आपको जिस जगह पर मिलेंगी वो मेडिकल स्टोर कहलाएगा राइट फिर मैन्युफैक्चरर क्या है मैन्युफैक्चरर का मतलब मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग यानी कि ड्रग को बनाने वाला फिर जे में कहते हैं कि नारकोटिक साइकोट्रॉपिक और कंट्रोल ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स जो कि स्पेसिफाई की गई हैं जाहिर की गई हैं या मेंशन की गई हैं कहाँ पर इन द स्कीजूअल बी में और स्कीजुअल डी के अंदर इनके वो तमाम तर अद्वियात जो स्कीजुअल बी और स्कीजुल डी के अंदर जाहिर की गई हैं वो आपकी साइकोट्रॉपिक और कंट्रोल्ड ड्रग कहलाएंगी यहाँ पर आप लोगों का ये स्केजूअल बी आ जाता है ठीक है जिसके अंदर नार्कोटिक ड्रग्स हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं एंड एंटी डिप्रेसेंट एंड अदर कंट्रोल ड्रग्स आ जाती हैं राइट ये वो सारे लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं जो कि के इस कैटेगरी में आएंगी इस दर्जे में आती हैं राइट और इसी तरह से आपके पास uh, स्केजूअल डी आ जाता है राइट पंजाब ड्रग रूल्स एक्चुअली जो है वो स्केजूअल ए से लेकर एच तक ठीक है आपको मुख्तलिफ किस्म के शेड्यूल्स ज़ाहिर करता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो रिस्ट्रिक्शनस uh, हैं या फिर आप ये कहते हो कि डिफ़रेंट किस्म के फॉर्म्स हैं या फिर अद्वियात हैं लिस्ट ऑफ मेडिसन हैं जो कि मीन मखसूस की गई हैं कि इन ड्रग्स को आप मेडिकल स्टोर पर नहीं रख सकते हो इन ड्रग्स को आप फार्मेसी पर रखते हो या फिर एक इंस्पेक्टर कैसे फॉर्म फ़िल करेगा गवर्नमेंट एनालिस कैसे फॉर्म फ़िल करता है इनके वो तमाम तर चीज़ें जो कि मेन एक गवर्नमेंट एनालिस को गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर लाइसेंस बनवाने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस हासिल करने के लिए वो सारी सारी चीजें जो हैं वो आपके स्केड्यूल ए से ए uh, से एच तक मेंशन की गई हैं इन सारे के सारे स्केड्यूल्स को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे राइट right? फिर आप लोग आगे देखते हो कि के मीन क्लॉज के क्या कहते हैं वो कहते हैं फार्मेसी एक ऐसी जगह है मीनस प्रेमिस प्रेमिस यानी कि वो जगह ठीक है वो जगह जहाँ पर वेयर ड्रग्स आर स्टोर जहाँ पर ड्रग्स महफूज की जाती हैं सोल्ड बेची जाती हैं कंपाउंडेड यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर बनाई जाती हैं डिस्पेंस्ड यानी कि आप अपने कस्टमर को देते हो ठीक है और प्रिपेयर्ड और तैयार की जाती हैं ऑन प्रेस्क्रिप्शन यानी कि नुस्खे की बुनियाद पर आप उसे तैयार करते हो और डिस्ट्रीब्यूटेड और उसको फैलाते हो इन केस ऑफ ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर यानी कि मैन्युफैक्चरर की केस में यानी कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो और फिर आप उसको दूसरों तक पहुंचाते हो इंडेंटर से लेते हो या फिर इंपोर्टर से इंडेंटर जो उसको मीन एक किस्म का जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है यानी कि सपोज मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कि हाँ मैंने ये ये मेडिसन जो है वो उनको सेल करना है ठीक है इंडेंटर है या फिर इम्पोर्टर यानी कि भेजने वाला ठीक है तो वो तमाम तर जो ड्रग्स हैं उनको आप स्टोर करते हो सोल्ड करते हो कंपाउंडेड डिस्पेंस या प्रिपेयर हो रही हैं ऐसी जगह को प्रेमस को आप फार्मेसी का नाम देते हो फिर क्लॉज आई क्लॉज आई क्या कहते हैं सॉरी एल क्लॉज एल ये कहते हैं कि प्रोविंशियल बोर्ड का मतलब प्रोविंशियल क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड यानी कि पी पी क्यू सी बी राइट यानी कि आपके आपके सूबे की जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होगी वो प्रोविंशियल बोर्ड कहलाएगी क्लॉज एम ये कहता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब हुआ कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर वो इंसान जो मीन जो एक्सरसाइज कर रहा है रजिस्टर्ड जो जिसका अंदराज हुआ हुआ है अंडर द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 के तहत जिस मेडिकल प्रैक्टिशनर का उस इंसान का अगर अंदराज हुआ हुआ है तो उसको आप लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम दोगे राइट right? फिर क्लॉज एन कहते हैं कि स्केजल स्केजूअल मीन्स आ स्केजल टू दीज रूल्स यानी कि इन कवानीन का तरतीब देना या फिर शेड्यूल कि एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा किस तरह से आता है उसको आप लोग शेड्यूल या फिर आप स्केजल का नाम देते हो राइट फिर क्लॉज ओ ये कहता है सेक्शन सेक्शन का मतलब क्या है सेक्शन ऑफ द एक्ट यानी कि एक्ट का एक बाब ठीक है जिससे हमारा ये एक सेक्शन हो गया ठीक है ये हमारा एक सेक्शन हो गया सेक्शन वन सेक्शन टू राइट फिर आगे आप कहते हो कि क्लॉज क्यू क्या कहते हैं सेलर यानी कि बेचने वाला मीन्स सेलर ऑफ ए ड्रग यानी कि ड्रग को बेचने वाला होगा होलसेल क्या होगा कौन होगा मीन्स सेल टू अ पर्सन मतलब कि एक इंसान को बेचना बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ अ सेलिंग अगेन यानी कि इस मकसद से बाइंग करना इस मकसद से खरीदना के पर्पज ऑफ सेलिंग अगेन के वो दोबारा से उसको बेचेगा हु इज द ऑथराइज एजेंट ऑफ अ मैनुफेक्चरर और इम्पोर्टर और इंटेंटर जो कि एक ऑथराइज इंसान होगा या फिर एजेंट है किसका मैनुफैक्चर का बनाने वाले का इम्पोर्टर का भेजने वाले का या फिर इंटेंटर यानी कि रिप्रेजेंट करने वाले का ठीक है फिर इसका सब सेक्शन टू ये कहता है कि अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन यूज इन दीज रूल्स बट नॉट डिफाइंड शैल मीन द सेम एज डिफाइंड इन द एक्ट ठीक है यानी कि वो लफ्ज़ या वो एक्सप्रेशन जो इन रूल्स के अंदर इन कवानीन के अंदर आपको मेन बट नॉट डिफाइंड वो मीन आपको समझ में नहीं आ रहे तो आपको चाहिए कि उनका मतलब वही होगा जो कि वजाहत की गई है एक्ट इन द एक्ट एक्ट के अंदर यानी कि ड्रग एक्ट के अंदर राइट आज का लेक्चर यहीं तक कही नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे स्केजल ए से एच तक हम लोग पढ़ेंगे आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आप लोगों को समझ में आया तो काइंडली लाइक दिस वीडियो अल्लाह